दफा 370 और 35 होने के बाद तमाम लोगों का फिर एक बार जम्मू कश्मीर आवाम के वो हकूक है एक जो इनको राजा महाराजाओं की जम्मू कश्मीर और से दिए गए थे। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ उन बच्चों का कैरियर उन बच्चों का फ्यूचर जिसके टूटने से वाबा बर्बाद हुआ है जम्मू कश्मीर की आवाम को मद्देनजर रखते हुए उनके ख्याल को मद्देनजर रखते हुए नौजवानों के भविष्य का ख्याल करते हुए जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया। चूंकि आप जानते हैं दबा 370 और 35 तोड़ने में सिर्फ और सिर्फ हमारी जम्मू कश्मीर के वो पुराने सियासतदान जिन्होंने 70-75 सालों में यहां पर हुकूमतें की वो जिम्मेवार है। चूंकि वो ये बखूबी जानते थे जैसा कि आज वो कह रहे हैं आप लोगों को एक बार फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम दफा 370 और 35 को बहाल करवाएंगे स्टेट रूट को वापस ले आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम को जम्मू कश्मीर के इन नौजवानों को वर्क लाने की पॉलिसी है। दफा 370 शायद आप जानते होंगे कि उसकी अपील जो है कोर्ट में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अब कोर्ट ही इसकी न्याय करेगी। कोई सियासतदान के हक में ना है और ना ही वो कर सकता है। ये पुराने सियासतदान ये जानते थे कि शायद जम्मू कश्मीर की आवाम और जम्मू कश्मीर का वो यूथ जो ये काबिलियत रखता है जो ये हुनर रखता है एक नया जम्मू कश्मीर बनाने का अपना हक छीन के वापस लेने का वो एक न एक दिन जाग जाएगा। इसलिए इन पुराने सियासतदानों ने एक नई चाल चलकर 2019 के बाद मुक्त पार्टियों का गठन करके हम लोगों को एक बार फिर बेवकूफ बनाने का जरिया ढूंढा है। मगर ये चीज भूल गए कि जम्मू कश्मीर की आवाम जाग गई है। जम्मू कश्मीर की आवाम चेंज चाहती है। जम्मू कश्मीर का यह रूप चेंज चाहता है और सिर्फ नौजवानों को उन नौजवानों को जो ये साहित रखते हैं जो ये काबिलियत रखते हैं वो मैदान में उतरने का फैसला कर चुके हैं। और जिस तरह से मैं कह रहा था आपको इसीलिए जम्मू कश्मीर में जो हमने जो निकली है इस पार्टी में सबसे पहला हमारा एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर के उन लोगों को जो जम्मू कश्मीर के आवाम की हक की आवाज उठाकर अपनी आवाज बना के पार्टी की ही आवाज बनाएंगे। वो नौजवान जो जम्मू कश्मीर आवाम के फैसले को अपना फैसला बना के पार्टी का बड़ा फैसला बनाने की सलाहत रखते हैं पार्टी का डिसीजन बनाने की काबिलियत रखते हैं एक जम्मू कश्मीर को या जम्मू कश्मीर बनाने की सलाहित रखते हैं उन नौजवानों को मैं एक बार फिर के साफ कह देना चाहता हूं मैं उन नौजवानों को इस पार्टी में इन पुराने सियासतदानों की जिनकी एक छोटी छोटी सोच है जिसकी वजह से आप आज जम्मू कश्मीर का यह जवान डर कर गलियों की राहों में भटक रहा है उनको इंसाफ दिलाने में कोई कसर बाकी न छोड़ूंगा। जैसा कि आप जानते हैं शायद हमारी जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जिसमें रेवेन्यू जनरेट करने के 4 सोर्सेज हैं। बाकी तमाम पूरी इंडिया में आप देखो 2 सोर्सेज से ज्यादा किसी भी स्टेट में रेवेन्यू जनरेट करने के सोर्स ना है। मगर इन पुराने सियासतदानों ने खासकर मैं चिन्हा वैली की बात करूं चिन्हा वैली के ऐसे ऐसे सियासतदान थे जो हमारे बच्चों का जो हमारे अवाम की चिन्हा वैली के अवाम का कैरियर बचा सकते थे मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने इन तमाम सोर्सेज को जिनसे रेवेन्यू जनरेट हो सकता था इनको बाहर के बिजनेसमैन को बेचकर हम चिन्हा वैली के लोगों का रोजगार छीन कर हमारे नौजवानों के रोजगार को छीना है। हमारी पार्टी जब भी अरूज में आएगी ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सबसे पहले मैं ये बिल पास करवाऊंगा असेंबली से कि जिनमें हमारे बच्चों का रोजगार वापस आए और चिन्हा वैली में जो भी सोर्स है जो जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है वो सोर्स में सिर्फ काम करने वाले लड़के नौजवान और लोग सिर्फ चिन्हा वैली के होंगे।